की दीक्षा दी है, वही मैं लेने आई थी। और भारत को जो पहले था बोध में भारत, बोध में था, वही अब आने वाले समय में एक बोध में भारत होना चाहिए। तो हमारे जो समाज की औरतें हैं वो बहुत सारी कुरीतियों में उलझी हुई हैं बहुजन समाज की, तो हम लोगों का वही काम है कि हम उनको पाखंडवाद से निकालें और बुद्ध की तरफ, बुद्ध की शरण में जाने की। पाखंडवाद किसे कहते हैं, पाखंडवाद क्या है? पाखंडवाद जैसे कि मूर्ति पूजा करती हैं औरतें, या कोई मर जाता है उसका वो करते हैं पिंडदान करना, ये करना, जो हिंदू आरएसएस ये हिंदू धर्म में जितना भी मतलब बुराइयां हैं उन सबको वो करना है, दूर करना है। मतलब उनको दूर कैसे भगा सकते हैं जो सदियों से इस तरीके का प्रोग्राम चला आ रहा है? तो अभी देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, आज भी उन पर उसी तरीके से अत्याचार होता है। क्योंकि 70 साल की जो मानसिक गुलामी है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है, औरतों के दिमाग में जो भरी हुई है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। और जब तक समाज शिक्षित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगा तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं। तो हम लोगों को वही आज भी है। आप जैसी महिलाएं हैं घरों के अंदर घूंघट करती हैं, जो बहू आती हैं उनसे घूंघट कराती हैं, मंच पे आके आप यहाँ ये बात तो कह रही हैं गुलामी से बचाना है, लेकिन घरों के अंदर आज वही परंपरा चल रही है, उसकी तो शिक्षा की कमी है जो चल रही है, वही हम लोगों को दूर करना है। जो औरतें घिरी हुई हैं पुरानी रीति रिवाजों में, हम उन्हीं को दूर करने का वो कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं जो गांव-गांव में जाके कर रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से करेंगे और वैसे ही करेंगे, टीम बना के करेंगे। तो जल्दी से जल्दी देखिए बोध में भारत बनाने की इच्छा है। तो यहाँ तो सभी लोग आते हैं, एक तरफ वो अभी मंच पे देखा है कि लोग कुछ अपनी रोटियाँ सेकने आते हैं कि कुछ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो हम अपनी राजनीति में जाएंगे और हमें वहाँ और लोगों के साथ काम करेंगे। लोग आते हैं लेकिन जो भी सुनते हैं या चले जाते हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं। अभी जैसे बोध जी ने बोला कि हम जितना भी मतलब बहुजन समाज के लोग एक बोध लगाना चाहिए, ना कि जैसे ग्रेट चमार लगा दिया या वाल्मीकि लगा दिया। अभी ये पोस्टर ही आप देख लीजिए, कोई होगा तो सबके नाम के पीछे बोध लगना चाहिए जी। जितने भी इस पोस्टर में है इसमें है, इनके सबके नाम के पीछे बोध लगना चाहिए जो नहीं लगा है। तो फिर इन लोगों के आने का फायदा क्या है जब ये इतना नहीं समझेंगे? तो हम लोगों को तो यही चीजें समझानी है ना कि कुछ बातें मंच पे कहने की होती है, खुद अपने आप जो है उसे इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप इस्तेमाल नहीं करते हैं।